हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो ये एक बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि क्या करना है, तो वो एडजस्टमेंट के लिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। वो एडजस्टमेंट आपकी चेंज इन PSR में भी आती है, आपके एडमिशन में भी आती है, आगे रिटायरमेंट और डेथ में भी आएगी, ठीक है। तो आज हम उस एडजस्टमेंट को ऐसे समझेंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं वो एडजस्टमेंट क्या है। ओके, सो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दो एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, एक बैड डेट की एडजस्टमेंट होती है और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट होती है। तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे इसमें इसलिए प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक पहला रीजन क्या होता है कि उनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कि बैड डेट का मतलब क्या है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है। तो फटाफट से पहले तो उसका मीनिंग डिस्कस करते हैं कि जब मैं बात करता हूँ बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपने किसी कस्टमर को अपने गुड्स सेल करे हैं, आपने किसी कस्टमर को गुड्स सेल करे हैं और अब वो कस्टमर आपको पैसे देने से मना कर रहा है, आपके पैसे क्या हो चुके हैं, इररिकवरेबल हो चुके हैं, आपको वो पैसे अब नहीं मिलने वाले, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो, आपने क्या किया है, किसी कस्टमर को आपने गुड्स सेल करे हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर बदमाश। क्या नाम है? मिस्टर बदमाश, बहुत बदमाश इंसान है। आपने 5,000 रुपीज़ के गुड सेल करे, ठीक है, आपने क्या माना होगा कि ये 5,000 रुपीज़ आपके डेटर्स हैं, हाँ या ना? आपने क्या माना होगा आपके 5,000 रुपीज़ डेटर्स हैं। सबसे पहले इसकी एंट्री क्या की होगी, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। आपके 5,000 के डेटर्स हो गए, क्या एंट्री करोगे आप? डेटर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेटर कौन है? मिस्टर बदमाश। तो डेटर की जगह हम क्या लिख देंगे? डेटर की जगह हम लिखेंगे मिस्टर बदमाश अकाउंट डेबिट। मिस्टर बदमाश आपका डेटर है, मिस्टर बदमाश आपने डेबिट कर दिया, और आपने सेल्स करी है तो सेल्स हो गई आपकी क्रेडिट, राइट। कितने से हो गई? 5,000 से, ठीक है। अभी तो आपको क्या लग रहा था कि 5,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे, अब आपको पता चलता है कि मिस्टर बदमाश 9:11 हो चुके हैं, भाग चुके हैं वो, ठीक है, अब आपको पैसे नहीं मिलने वाले। पहला तो क्या हो गया कि आपका लॉस हो गया भाई, 5,000 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस हो गया, और उस लॉस का नाम है बैड डेट्स। जो आपके डेट्स, डेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? डेटर। बैड हो गए, अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको पता, जब आपको लॉस होता है तो लॉस को आप करते हो डेबिट, करते हो, तो मैं क्या करूँगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट। बैड डेट का अकाउंट क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, ठीक है। और जो आपके ये 5,000 रुपीज़ के आपने डेटर बनाए थे, मिस्टर बदमाश कौन था? डेटर। अब वो आपका डेटर नहीं है। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब होता है जो अमाउंट आपको रिसीव होनी है किसी से। क्या अब आपको वो अमाउंट रिसीव होनी है? नहीं होनी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? उसको कैंसिल करेंगे, मतलब अब मैं अपने बुक से उस डेटर का नामो निशान हटा दूंगा। हटाने के लिए क्या करूँगा? डेबिट किया था, हटाने के लिए क्रेडिट कर दूंगा, मिस्टर बदमाश। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बदमाश 5,000। तब इससे हुआ क्या कि अब मैंने मान लिया कि वो मेरा डेटर नहीं है, इसलिए मैंने उसको क्या किया? क्रेडिट। और ये भी मान लिया कि मुझे क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं। जब आप चेंज इन PSR करते हो, जब आप एडमिशन करते हो, आपको एक अकाउंट बनाना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे आप अपने सारे प्रॉफिट और लॉसेस को बुक करते हो। जो भी खर्चे होते हैं, जो भी इनकम होती है, गेन होता है, सबको बुक करते हो, ठीक है। तो ये बैड डेट आपको क्या हुआ है? एक लॉस हुआ है। बैड डेट आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसको मैं कहाँ बुक करता हूँ? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? सारे अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम और गेन। ये आपके लिए क्या है? लॉस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, मतलब रिवैल्यूएशन को मैं क्या करूँगा? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। मैंने अपना लॉस क्या कर लिया? बुक कर लिया। टू बैड डेट्स, किस चीज़ का लॉस है? बैड डेट का लॉस है। तो मैंने बैड डेट अकाउंट लिख दिया 5,000 से। ये हो गया आपके बैड डेट का पूरा ट्रीटमेंट। आपने पहले सेल करी थी, अपने डेटर बुक किया, लॉस हुआ, लॉस बुक किया और अपना डेटर कैंसिल कर दिया, और वो लॉस अब आपने अपने रिवैल्यूएशन में डाल दिया। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ये तो ईजी था, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। आई होप को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बैड डेट के एडजस्टमेंट समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब थोड़ा सा प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। देखो, ओके, सो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मीनिंग क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। देखो ज़रा, ये थे आप, ठीक है। आपको याद होगा हमने आपका एक बिजनेस बनाया था और बिजनेस का नाम था कॉमर्स चाय वाला। कॉमर्स चाय वाला, क्योंकि आजकल चाय वालों का बिजनेस बहुत मस्त चल रहा है भाई,
CCW कॉमर्स चाय वाला आपका बिजनेस था, ठीक है। अब आपने क्या किया, कोई गुड सेल करें, कोई गुड सेल करें, ये बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो आपने टोटल गुड्स जो सेल करे हैं, लेट्स से आपने 1 लाख के सेल कर दिए, कितने के सेल कर दिए, 1 लाख के सेल कर दिए, तो इन टोटल आपने क्या एंट्री करी होगी, आपके जो डेटर्स हैं उनको डेबिट किया, डेटर्स अकाउंट आपने क्या कर दिया, डेबिट टू सेल्स, बिल्कुल सही, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लेट्स से 1 लाख, बहुत बढ़िया, आपने 1 लाख रुपए के डेटर्स बना लिए। अब ध्यान से सुनो कि अब क्या चल रहा है, मान लो कोविड का जब टाइम चल रहा था, अब आपको लग रहा है, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार इनमें से ना मुझे लगता है कि शायद मुझे 10,000 के डेटर्स नहीं मिलेंगे, मतलब 10,000 रुपीस मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि 10,000 रुपीस आपको नहीं मिलने वाले, डूब जाएंगे, क्या डूब चुके हैं, नहीं, अगर आपको पता होता कि डूब चुके हैं तो उनको बोलते हैं बैड डेट्स, लेकिन ये क्या है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, एस्टिमेटेड अमाउंट है। अब बात ये है कि आपको शॉक नहीं लेना है भाई, ठीक है, कि एकदम से आपको पता चले कि 10,000 पे डूब गए, तो आपने क्या किया, आप पहले से ही प्रिपेयर हो गए, मान लो ये एक अकाउंट है ना, जैसे आपका लॉकर होता है, लॉकर, ये वो लॉकर है, और इस लॉकर का नाम क्या है, इस लॉकर का नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इस लॉकर का आपने नाम रखा है, और आपने क्या किया कि पहले से ही 10,000 रुपीस इस लॉकर में डाल दिए, पहले से ही 10,000 रुपीस आपने इस लॉकर में डाल दिए कि भाई सुनो, मैं पहले से ही मान के चलता हूँ कि 10,000 पे मेरे डूब ही जाएंगे, मैं पहले से ही प्रिपेयर होकर चलता हूँ कि 10,000 पे मुझे नहीं मिलने वाले, आपको ये बात समझ में आ गई कि 10,000 रुपये मेरे डूब जाएंगे, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि आपका ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, आपको लग रहा है कि शायद मुझे फ्यूचर में 10,000 रुपीस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, ठीक है, ये जो डेटर्स हैं और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं आपको बैलेंस शीट में दिखेंगे, किसमें दिखेंगे, बैलेंस शीट में, जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, और बैलेंस शीट में आपको कैसे गिवन होगा, आपको गिवन होंगे डेटर्स, आपके डेटर्स थे कितने के, डेटर्स थे 1 लाख के, लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है कि 10,000 डूब जाएंगे तो आप उसके साथ दिखा देते हो अपना प्रोविजन कि मैं पहले से ही प्रिपेयर होकर चल रहा हूँ कि 10,000 रुपीस डूब जाएंगे भाई, तो आपके नेट अमाउंट अच्छे वाले डेटर्स कितने हैं, 90,000, आपको लग रहा है कि 90,000 तो आपको मिल ही जाएंगे, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, पूरी कहानी समझ में आ गई, आ गई होगी, ठीक है। अब आपको एडजस्टमेंट क्या दी है, ज़रा ध्यान से सुनो दोस्त, आपको एडजस्टमेंट क्या दी है, ये आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी, जो गिवन होती है, जिसको देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, ध्यान से सुनो एडजस्टमेंट क्या है, पहली एडजस्टमेंट है कि बैड डेट हो गए, क्या हो गए, बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने के हो गए, बैड डेट्स हो गए लेट्स से 6,000 के। अब बैड डेट का मतलब क्या हो गया, कि बैड डेट का मतलब ये हो गया कि अब आपको पूरा यकीन हो चुका है कि आपको 6,000 रुपये नहीं मिलने वाले, ये क्या हो चुके हैं, इररिकवरेबल हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, इररिकवरेबल। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको पता चला कि 6,000 रुपये इररिकवरेबल हो चुके हैं, तो आप क्या एंट्री पास करते हो, अभी हमने देखी थी, फटाफट से बताओ, अभी देखी थी आपने एंट्री कौन सी पास की थी, ये वाली, कि जब आपको पता चला था कि भाई बैड डेट्स हो गए हैं, तो बैड डेट आपने लॉस बुक किया और अपने डेटर को कम कर दिया, अभी भी वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, क्या करोगे आप, अपना बैड डेट क्योंकि आपका लॉस है, आपने इसको डेबिट किया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, आपने अपने डेटर्स कम कर लिए, कितने से, 6,000 से, कितने से कम कर लिए, 6,000 से, आपके डेटर्स थे कितने के, 1 लाख के, 90,000 के नहीं है, डेटर्स अभी भी 1 लाख के ही थे, ये तो 90,000 वो हैं जो अच्छे वाले डेटर्स हैं, डेटर्स थे कितने के, 1 लाख के, अब 1 लाख में से 6,000 तो गए, अब आपको क्या है, 6,000 तो गए, अब बचे कितने हैं, 94,000 के, कितने के, 94,000 के, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, आपको जो ये 6,000 का लॉस हुआ है, ये जो आपको 6,000 का लॉस हुआ है, क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, सोचो क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, फ़र्क क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, आपने पहले से ही अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डाल रखे थे कि भाई पैसे डूबेंगे अगर 10,000 तक, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भाई कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला, 10,000 तक तो मैं तैयारी करके बैठा हूँ, कितने के डूब गए, 6,000 के, क्या आपको कोई एक्चुअल में लॉस हुआ, नहीं हुआ, ये सुनो, अब आप क्या करोगे, आपको जो लॉस हुआ था पिछली बार, आपने वो लॉस कहाँ डाल दिया था, रिवैल्यूएशन में, भाई अब आपको लॉस जब हुआ ही नहीं है, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, तो अब आप सिंपली क्या करोगे, 6,000 रुपये इस अकाउंट से निकाल लोगे,
जो 10,000 रुपये आपने लॉकर में डाले थे इसी दिन के लिए तो डाले थे कि भाई जब अगर मुझे लॉस होगा तो मैं इस अकाउंट से पैसे निकाल लूँगा। क्या बात समझ में आई? तो जब आप प्रोविजन को निकालोगे तो प्रोविजन क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रोविजन क्या हो जाएगा? डेबिट। जैसे ही आपने प्रोविजन में से पैसे निकाले, प्रोविजन हो गया कम, प्रोविजन का अमाउंट कम होगा तो आप क्या कर दोगे उसको? डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। कितने से? 6,000 से। और क्योंकि अब आपको लॉस तो हुआ नहीं है, लॉस आपको हुआ नहीं है, तो जो आपने ये डेबिट किया बैड डेट, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। 2 bad debt 6,000। तो अब क्या आपने यहाँ पे कोई भी अमाउंट रिवैल्यूएशन में डाला है क्या? नहीं डाला। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, मैं तो सब कुछ के लिए प्रिपेयर था कि भाई ये 6,000 अगर डूब भी जाएंगे प्रिपेयर्ड हूँ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आपको समझ में आया? तो अब आपकी सिचुएशन क्या है ज़रा देखो, अब आपकी सिचुएशन क्या है ज़रा वो देखते हैं कि आपकी सिचुएशन ये है कि आपके डेटर्स, आपके डेटर्स जो पहले कितने के थे? 1 lakh के। अब वो 1 lakh के नहीं है दोस्त, अब वो 1 lakh के नहीं है। 1 lakh में से 6,000 तो बाय बाय टाटा बोल के जा चुके हैं, आपके कितने के बच गए? 94,000 के। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। लेस मैं अब क्या करूँगा, आपने कुछ प्रोविजन बनाया था, यस और नो? आपने कुछ प्रोविजन बनाया था, कितने का बना रखा? 10,000 का। अब एक बात बताओ, क्या आपके इस लॉकर में, इस अकाउंट में अब 10,000 है? नहीं है आपके, वो 10,000 तो नहीं है। कितने बचे हैं? 4,000। 6 तो निकाल लिए ना, अब कितने बचे हैं ये? 4,000। अब जादू देखो, जादू, अभी भी आपके अच्छे वाले डेटर्स तो 90 ही हैं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपको कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? राइट। अब देखो यहीं पे ये तो हो गई फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसी के साथ आपको दे रखी होती है सेकेंड एडजस्टमेंट जो हमें समझनी है। ध्यान से सुनो, आपको बोला है provision to be created at the rate of, provision to be created at the rate of 10% on debtors। अब हुआ क्या है कि अब आपको पता चला है कि यार क्योंकि कोविड केसेस इतने बढ़ चुके हैं, मुझे लग रहा है मेरे जितने डेटर्स हैं ना उसका 10% डूब जाएगा, ये आपको अब लग रहा है। बेशक वो जब चेंज इन PSR होता है तब हो, बेशक वो एडमिशन के टाइम पे हो, जब ये सारी एडजस्टमेंट आप करते हो आपको क्या लग रहा है कि यार कोविड के केसेस ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है 10% डेटर डूब जाएंगे। तो आप करोगे क्या, जो आपने ये अकाउंट बनाया था ना, किसका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, इसमें आप थोड़े से पैसे और डालोगे। देखो कैसे, देखो अपने आप से क्या पूछूंगा, आपके डेटर्स कितने? 94,000 के। आपको क्या लग रहा है कि 94,000 में से अभी भी मेरे को लगता है कि 10% डूब जाएंगे? कितने डूब जाएंगे? 10%। तो मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि आपका जो ये अकाउंट था, कौन सा, जो ये लॉकर था, इसमें कितने पैसे होने चाहिए कि भाई 94,000 के डेटर्स हैं, मुझे लग रहा है इसके 10% डूब जाएंगे, मतलब 9400 डूब जाएंगे, आपको लग रहा है। तो आप चाहते हो कि इस अकाउंट में 9400 अभी भी पड़े, 9400 पड़े हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके इस अकाउंट में ऑलरेडी कितने पैसे थे? इस अकाउंट में ऑलरेडी कितने थे? अगर आपको याद हो, ऑलरेडी आपके इस अकाउंट में 4000 रुपीज़ थे। ऑलरेडी कितने थे? 4000। इसका मतलब मुझे 5400 इस अकाउंट में और डालने पड़ेंगे। क्लियर है? वो बहुत आसान है, अगर ऐसे समझोगे ना कहानी की तरह, कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। समझ में आया कि 4000 आपके ऑलरेडी उस अकाउंट में थे, 5400 और चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? बस यही एडजस्टमेंट होती है, यही एडजस्टमेंट होती है कि आपने क्या किया, 5400 और डाल दिए। अब क्योंकि आप अपना प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हो, ये आप रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करते हो। प्रोविजन इंक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने डेटर, जो अच्छे वाले डेटर हैं, उनको कम कर रहे हो। देखा जाए तो आप अपने डेटर की वैल्यू क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो बेसिकली क्या एडजस्टमेंट करोगे, क्योंकि डेटर कम कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। आप अपने एसेट की वैल्यू एक तरह से कम ही कर रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्योंकि आपने प्रोविजन में और पैसे डाले हैं, इसका मतलब आपको लग रहा है कि आपके एसेट कम होने वाले हैं, ठीक है? कितने से? 5400 से। 4000 तो पहले से ही थे, बस दोस्त यही एडजस्टमेंट होती है, यस और नो? तो आपने किया क्या है? मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। देखो क्या किया आपने, आपने सबसे पहले सेल करी थी, उसके बाद आपको लगा था कि मेरे कुछ पैसे डूब जाएंगे, तो आपने उस टाइम पे कुछ प्रोविजन बनाया था,
अकाउंट में पैसे डाले थे, कितने के? 10,000 के, ठीक है। अब पता क्या चला कि भाई 10,000 में से 6,000 ऐसे हैं जो डूब गए, जो आपने 10,000 का एस्टीमेट लगाया था उसमें से 6,000 ऐसे हैं जो डूब गए। आपको लॉस तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 10,000 के लिए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर थे। तो आपने क्या एंट्री पास करी? आपने पहले अपने डेटर कम करे, क्योंकि डेटर तो कम हुए हैं, हाँ या ना? 1,00,000 के डेटर थे, उसमें से 6,000 के डेटर कम हुए हैं। और क्योंकि ये 6,000 आपका लॉस नहीं है, आपने वो प्रोविजन में से पैसे निकाल लिए। 10,000 थे अकाउंट में, 10,000 में से 6,000 निकाल लिए, तो प्रोविजन कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, 6,000 से डेबिट हो गया, और आपका लॉस तो हुआ नहीं है, तो बैड डेट क्रेडिट हो गया, बैड डेट बिल्कुल कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपने डेबिट किया था, कैंसिल करने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सुनो भाई, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर रहूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब मेरे 10% डेटर डूब जाएंगे, मुझे लग रहा है। मतलब आप चाहते हो कि आपके जितने भी डेटर हैं उसका 10% अमाउंट आप प्रोविजन में डाल दो, उस लॉकर में डाल दो। अब आपको देखना क्या कि आपके डेटर बचे कितने के थे, 94,000 के, क्योंकि 6,000 तो चले गए थे। तो आप चाहते हो कि 94,000 के 10% आपके उस लॉकर में हो, कितने हो मतलब 9400, बिल्कुल सही। अब देखो आपके ऑलरेडी कितने थे, 4000 तो अभी भी उस लॉकर में थे, तो आपने 5400 और डालने हैं, वो आपने रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर दिया कि रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? येस और नो? आ गई है, ठीक है। इसका बस एक और केस देखेंगे कि और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको गारंटेड कभी परेशान नहीं करेगा। फटाफट से देखो कि मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल में वही सेम फिगर्स ले रहा हूँ कि मेरे डेटर्स कितने के थे, 1,00,000 के, और मुझे लगा था कि मेरे डेटर्स कितने डूब सकते हैं, कितने, 10,000। अगर आपको याद हो मैंने अपने लॉकर में कितने पैसे डाले, 10,000, 90,000 नेट अमाउंट। अब देखो हुआ क्या है, अब आपको बोला गया कि आपके बैड डेट हो कितने गए, आपके जो बैड डेट्स हैं वो कितने के हो गए, 12,000 के। ओ माय गॉड, कितने के हो गए, 12,000 के। आपने अपने जो ये सेफ लॉकर था इसमें कितने पैसे डाले थे, 10,000, ये सोच के कि भाई 10,000 ही डूबेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डूबेंगे। लेकिन हुआ क्या है, कितने डूब गए, 12,000। कितने के बैड डेट्स, 12,000। तो भाई लॉस तो हो गया ना, लेकिन कितने का हुआ, सिर्फ 2,000 का। कैसे? देखो सबसे पहली एंट्री मैंने आपको क्या बोला, क्या करोगे, 12,000 से अपने डेटर्स को कम करो, तो बैड डेट डेबिट, आपका ये लॉस हो गया, डेबिट टू डेटर्स कम हो गए तो डेटर्स क्रेडिट 12,000 से, बिल्कुल सही। अब आते हैं अपने लॉस पे। अब 10,000 की तैयारी तो आपने की थी कि यार 10,000 तक तो मैं संभाल लूंगा, ठीक है, मैंने अपने सेफ लॉकर में 10,000 पे डाल रखे, कितने का लॉस हो गया, 12 का। तो 2,000 का तो आपको दर्द होगा, 2,000 का जो आपको लॉस एक्चुअली में हो गया वो आपको कहाँ डालना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में। कैसे डालेंगे देखो, कैसे डालेंगे देखो, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोविजन में से पैसा निकालूंगा, लेकिन मेरे प्रोविजन में था ही कितना, मेरे प्रोविजन में पैसे थे सिर्फ 10,000। कितने थे, 10,000, लेकिन मेरे को बैड डेट का लॉस कितना हुआ, बैड डेट का लॉस कितना हुआ है, 12 का। कितने का हुआ, 12 का। तो जो ये 2,000 का आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है वो आप कहाँ डालोगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट कितने से, 2,000 से। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, लेट्स से ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, आप टू बैड डेट्स, लेकिन सिर्फ कितना लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप लिखोगे 2,000, क्योंकि एक्चुअली में लॉस तो अभी भी 2,000 का ही हुआ है, 10,000 के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड ऑलरेडी था। क्या आपको ये बात समझ में आई, राइट? अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनो अब क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूँ, 2,000 रुपये आपने डाल दिए। अब आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रहे हैं, वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने आपको बोली है, देखो वो चाहते हैं कि आप प्रोविजन क्रिएट करो अब फ्यूचर के लिए, कि भाई फ्यूचर में मेरे को दोबारा से झटका नहीं लगना चाहिए, तो प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। अब जैसे मैंने आपको बोला प्रोविजन किस पे क्रिएट करोगे, प्रोविजन तो उस पे क्रिएट करोगे ना जो अब आपके एक्चुअली में डेटर्स हैं, जो बैड डेट्स हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, पैसे तो मिलने नहीं आपको, ठीक है, उन पे थोड़ी प्रोविजन बनाओगे। प्रोविजन का मतलब क्या है कि भाई फ्यूचर में शायद पैसे ना मिले। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब आपके पास एक्चुअल डेटर है कितने के, तो आप क्या बोलोगे, देखो सर 1,00,000 के डेटर थे, कितने के, 1,00,000 के, जिसमें से 12,000 डूब चुके हैं,
1 लाख में से 12,000 डूब चुके हैं, तो अब आपके पास डेटर्स बचे कितने के हैं? 88,000 के। कितने के? 88। तो भाई इस 88 पे आपको डाउट है ना, 88 पे प्रोविजन बनाओगे, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जब भी प्रोविजन बनाओगे बैड डेट लेस करने के बाद बनाओगे। भाई बैड डेट का मतलब क्या है? कि पैसे डूब गए, अब बैड डेट पे थोड़ी प्रोविजन बनाऊंगा मैं। प्रोविजन का मतलब ही क्या था? कि भाई मैं फ्यूचर के लिए अपने लॉकर में कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर मेरे को बैड डेट हुए उससे पैसे निकाल लूंगा। हाँ या ना, जो बैड डेट ऑलरेडी हो चुकी है वो तो माइनस करूंगा। इस पे आप क्या करोगे? आप 10% का प्रोविजन बनाना चाहते हो 8800 का। अब देखो जरा हमारे उस लॉकर की हालत क्या है, क्या इस लॉकर में अब बिल्कुल भी पैसे बचे हैं क्या? 10,000 थे, 10 के 10 तो निकाल लिए आपने, 10,000 के 10,000 तो निकाल लिए ना आपने, कुछ पैसे बचे क्या? कुछ भी पैसे नहीं बचे दोस्त, सब कंगाल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब 88 के 88 इसमें डालने पड़ेंगे, और प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हो, अपने प्रोविजन में पैसे डाल रहे हो, वो भी आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अपने डेटर का बैलेंस कम कर रहे हो, तो वो भी क्या होगा? रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने प्रोविजन को रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड किया, राइट? इस साल भी, इस बारी भी हमें क्या करना होगा? उसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि आप प्रोविजन बना रहे हो। प्रोविजन का मतलब ही क्या होता है? कि आप अपने डेटर की वैल्यू कम कर रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पूरा लिख लेना आप, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है? कितना? 8800। बस बस दोस्तों, बस खत्म, इतना ही है बस, ठीक है? आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि भाई टर्म्स जो लिखी हुई हैं उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता कि प्रोविजन का मतलब क्या है, तो फिर तो आप क्या ही समझोगे, राइट? उसका आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है, अकाउंट में क्या डालोगे, सब कुछ मैंने क्या कोशिश करी है कि मैं आपको समझा दूं, ठीक है? मैं आपको एक बार ये ज़रूर बता देता हूं कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कैसा दिखेगा। ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप क्या करोगे, ये आपकी डेबिट साइड है, आपने डेबिट साइड पे क्या किया? एक तो आपने लिखा बैड डेट्स, जो आपके बैड डेट हुए लेकिन 2000 के, है ना? और फिर आपने क्या किया है? प्रोविजन भी क्रिएट किया है। अब प्रोविजन कितने का? 8800 का। दोनों कहाँ आएंगे? डेबिट साइड पे। एक तरह से आपको लॉस ही हो रहा है ना। हाँ या ना, समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाई है। कहीं भी आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलने वाली। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो वो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जल्दी से प्रेस कर दो, उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।